चलिए आज बनाते हैं आलू बैंगन और पालक की स्वादिष्ट सब्जी। नमस्कार, नीतू सिंह किचन में आप सबका स्वागत है। सब्जी बनाने के लिए सरसों तेल को धुआं आने तक गर्म करेंगे। तेल गर्म होने के बाद पंचफोरन का तड़का देंगे। पंचफोरन चटकने के बाद कद्दूकस किया अदरक और लहसुन डालकर कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। अदरक लहसुन भूनने के बाद कटा हुआ प्याज डालकर 2-3 मिनट तेज आंच पर ही प्याज को भून लेंगे। प्याज 2-3 मिनट भूनने के बाद कटा हुआ आलू डालेंगे और तेज आंच पर ही चलाते हुए आलू को भी फ्राई कर लेंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे। आलू भूनने के बाद कटा हुआ टमाटर डालेंगे और चला लेंगे। और टमाटर गलने के लिए हम यहाँ स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और मिला लेंगे। एक दो मिनट में टमाटर हमारा गल गया है। अब कटा हुआ बैंगन डालेंगे और चला लेंगे। 4-5 मिनट तेज आंच पर ही बैंगन को भी हम भूनेंगे। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। 2 हरी मिर्च हमने काट के डाल दिए हैं। चलाते हुए बैंगन को भी तेज आंच पर ही हम भूनेंगे। चार पाँच मिनट भूनने के बाद हम मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सब मसाले को अच्छे से मिला लेंगे। इसमें पानी नहीं डालना पड़ेगा क्योंकि बैंगन ने पानी छोड़ दिया है। हमारा मसाला भी अच्छे से भून जाएगा। अब इसे ढक कर हम धीमी आंच पर भूनेंगे। मसाले को तेल छोड़ने तक हम भूनेंगे। सब्जी को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। मसाला तेल छोड़ दिया है, अच्छा से मसाला पक गया है। इसको चला लेंगे और कटा हुआ पालकी डालेंगे। पालकी डालकर हम एकदम से चलाएंगे नहीं, इसको ढक देंगे। 1-2 मिनट गलने के बाद हम पालकी को मिलाएंगे। 1-2 मिनट बाद हम पालकी को मिला लेते हैं। जैसे पालकी और सब्जी को हम एक में मिला लेंगे। सब्जी चलाने के बाद हम ढक देंगे। ढककर 2-3 मिनट तक हम धीमी आंच पर ही पकाएंगे। सब्जी में पालकी से पानी निकल रहा है, इसमें हम अलग से पानी नहीं डालेंगे। इसी पानी से सब्जी हमारा अच्छे से पक जाएगा। सब्जी चलाने के बाद हम ढक देंगे। फिर 2-3 मिनट के बाद हम सब्जी को चला लेंगे। हर 2-3 मिनट के बाद हम सब्जी को चलाते रहेंगे। हमारा आलू बैंगन और पालकी का सब्जी तैयार है। आलू बैंगन और पालक की स्वादिष्ट सब्जी तैयार है। तो फिर सर्व करते हैं। देखने में जितनी सुंदर लग रही है, खाने में भी उतनी स्वादिष्ट है। एक बार आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें। नमस्कार।